नमस्कार, मैं डॉली ओझा एनएसएस वॉलेंटियर राजकीय महाविद्यालय सिरोही से। आज कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है, ऐसे में हम सभी के लिए यह आवश्यक है कि हम एक देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। देखिए साथियों, एक समय था जब हमें कुछ करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता था, लेकिन आज यह महामारी हमें उस दौर में ले आई है जहां यदि हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे रहे तो यह कार्य भी किसी देश सेवा के कार्य से कम नहीं होगा। हम संक्रमण से बचे रहें, इसके लिए आवश्यक है कि आप घरों में रहें, घर में रहकर अपनी रुचि के कार्य करें, घर परिवार में खुशियां बांटें, अनावश्यक यात्रा न करें। आवश्यकता होने पर ही आप अपने घरों से बाहर निकलें और बाहर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना करें। आप घर में रहकर सदैव सकारात्मक बने रहें, इसके लिए इस लॉकडाउन को अपने तनाव का विषय न बनाते हुए आप यह सोचें कि जो कार्य इतने वर्षों से कोई नहीं कर सका, वह कार्य आज इस कोरोना वायरस ने कर दिखाया। हमारी ओजोन परत स्वतः संरक्षित हो रही है और पर्यावरण धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है। आप घर में रहकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कर्मवीरों का हौसला बढ़ाइए, प्रेरणादायी कहानियों को साझा कीजिए और अधिक से अधिक आप फेक न्यूज़ से बचे रहिए। आज समय है हमारी भारतीय संस्कृति का परिचय देने का। हमारी भारतीय संस्कृति हमें यह सिखाती है कि मानवता हमारा परमो धर्म है, इसलिए आप जितना हो सके अपने आसपास के असहाय लोगों की सहायता कीजिए। अंग्रेजी के एक कवि पीवी शैली ने कहा है कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि यदि सर्दी आ जाए तो क्या बसंत ऋतु बहुत पीछे रह सकती है। अर्थात आज भले ही हम इस वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, पीड़ित है, लेकिन वह समय जल्द ही आएगा जब संपूर्ण विश्व मुस्कुराएगा। जैसे सर्दी के बाद बसंत ऋतु वातावरण में खुशियाँ लेकर आती है, ठीक वैसे ही आप धैर्य और आशा बनाए रखिए, वह समय जल्द ही आएगा जब हम सब मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।